श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अथाष्टमोध्यायः ध्रुव का वन गमन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, शत्रुसुदन विदुर जी, सनकादि नारद, रुभु, हंस, अरुणी और यति ब्रह्मा जी के इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनके कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था मृषा। उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को निरुत्ति ले गया, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। दंभ और माया से लोभ और निकृति शठता का जन्म हुआ। उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कली कलह और उसकी बहन दुरुक्ति यानी कि गाली उत्पन्न हुए। साधु शिरोमणि फिर दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और निरय नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है, अतः इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन को मलिनता दूर कर देता है। गुरुनंदन, अब मैं श्रीहरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थी। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देख उनके सामने ही उससे ढहा भरे शब्दों में कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का ही बेटा है, इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपने कोख में नहीं धारण किया, तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राजसिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर साफ फूफ फुंकार मान लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होठ फड़क रहे थे और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। सुरीति ने बेटे को गोद में लिया, उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपने सौ सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दावानल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई तथा विलाप करने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल सरीखे नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख पारावार का कहीं अंत नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझ मंद भागनी से गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राजसिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जाओ। संसार का पालन करने के लिए सत्वगुण को अंगीकार करने वाले उन श्रीहरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इसी प्रकार तेरे दादा स्वयंभू मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी, तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा, तू भी उन भक्तवत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्ष लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं।
तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले तथा अन्य सब का चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। बेटा, उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती है। श्री मैत्री जी कहते हैं, माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे, अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पापनाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा, अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो, अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए हैं। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही हो तो बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। तात, भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसीलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि देववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तू योग साधना द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता ही नहीं पाते, इसलिए तू यह व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। जो करने वाला पुरुष मोहमय संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। योग करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकते। ध्रुव ने कहा, भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतः मुझमें विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसीलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। ब्रह्मन, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरा करते हैं। सिमेत्री जी कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश देने लगे। श्री नारद जी ने कहा, बेटा, तेरी माता सुनीति ने तो जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसीलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्रीहरि के चरणों का सेवन ही है। बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा, वहाँ श्रीहरि का नित्य निवास है। वहाँ श्री कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथाविधि आसन बिछा कर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक तीन प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रियों के दोषों को दूर कर धैर्य मुक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं, उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नतापूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्युक्त हैं। उनकी नासिका, भौवे और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। उनकी तरुण अवस्था है, सभी अंग बड़े सुडोल हैं, लाल लाल होठ और रत्नारे नेत्र हैं। वे प्रणजनों के आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरणांगत वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके
वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी चार भुजाओं में शंख चक्र गदा एवं पद्म सुशोभित है। उनके अंग प्रत्यंग किरीट कुंडल केयूर और कंकणादि आभूषणों से विभूषित है। गला कौसुब मणि की भी शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीताम्बर है। उनके कटी प्रदेश में कांचन की करधनी और चरणों में सुवर्णमय नुपुर पैजनी सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय शांत तथा मन और नयनों के आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं उनके अंतकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मणिमंडित मनोहर पादार विंदों को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए तब उन वरदाय प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करे कि वे मेरी और अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बतलाता हूँ। सुन, इसका सात रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल पुष्पमाला जंगली मूल और फलादि पूजा में विहित दुर्वादि अंकुर वन में ही प्राप्त होने वाले वलकल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। यदि शीला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में भी भगवान की पूजा करें। सर्वदा संयत चित मननशील शांत और मौन रहे तथा जंगली फल मूलादि का परिमित आहार करें। इसके सिवा पुण्यकीर्ति श्रीहरि अपने अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्रमूर्ति श्रीहरि को द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन वाणी और शरीर से भक्तिपूर्वक पूजन किया जाता है तब वे निश्चल भाव से भलीभांति पूजन भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म अर्थ काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्तिपूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करे। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुंचे। राजा ने उनकी यथायोग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म अर्थ और काम में से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई? राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं बड़ा ही स्त्रैण और निर्दय हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर, वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कुमला गया होगा, वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ा गया होगा। ब्राह्मण, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए ने तो खा जाए। अहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ, मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान है। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है, उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है, जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। श्री मैत्र जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्रचित से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरम्भ कर दी। उन्होंने 3 दिन रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाहक के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्रीहरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6-6 दिन के पीछे
सूखी घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9-9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्रीहरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12-12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। पांचवा मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंभे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने महदादि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर परब्रह्म की धारणा की, उस समय उनके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोक कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाई बाई और डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रियों द्वारा तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्रीहरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इसमें समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबरा कर श्रीहरि की शरण में गए। देवताओं ने कहा, भगवान समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है, ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान ने कहा, देवताओं तुम डरो मत, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है, इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण ही रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोगों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। हरे कृष्ण।